भक्त प्रहलाद की भूमि है। यहाँ पे सबसे बड़ी होलिका जलाई जाती है विश्व की। दोस्तों आप सभी को, हम इस समय खड़े हैं नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद मंडल के शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पे और आज है 29 अक्टूबर 2023। ये व्लॉग आप थोड़ा लेट देखेंगे और आज यहाँ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा समाप्त हुई है। 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित हुई थी, जिसमें से आज दूसरी शिफ्ट अभी समाप्त हुई है। प्लेटफॉर्म संख्या एक पे काफ़ी भीड़ है परीक्षार्थियों को, जो अपने घर जाने के लिए ट्रेन को बोल्ड करेंगे। हम इस समय खड़े हैं शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पे और आज हमारी एक और नई ट्रेन जर्नी शुरू होने वाली है। तो पहले आप जल्दी से देख लीजिए जर्नी स्नैपशॉट, फिर हम आपको शाहजहांपुर के बारे में बताते हैं और अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, जहां दूर वो ट्रेन खड़ी है, वो दूर आपको वहां पे ट्रेन दिख रही है, वो पीली भी जाती है, पैसेंजर ट्रेन है। पिछले साल ही उसका इनॉग्रेशन हुआ है। इससे पहले ये जो सेक्शन था, ये था मीटर गेज का। पिछले साल ब्रॉड गेज होके उस पर वो ट्रेन चलनी भी शुरू हो गई है। यहाँ 99 ट्रेन रुकती हैं, SPN यहाँ का स्टेशन कोड है और 7 यहाँ से ओरिजिनेट टर्मिनेट होती है। और आप देख ही सकते, उनमें से पीलीभीत की ट्रेन यहीं से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। आज की हमारी जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 14308, बरेली से प्रयागराज संगम तक चलने वाली एक डेली एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि टोटल डिस्टेंस कवर करती है बरेली से प्रयागराज संगम तक का 432 किलोमीटर का। बरेली से ये रोज़ शाम में 5:30 बजे छूटने के बाद शाहजहांपुर आ जाती है 7:02 पे, और 2 मिनट का हॉल्ट इसका शाहजहांपुर में रहता है। प्लेटफॉर्म संख्या एक पर यह ट्रेन आती है, वो NR वाले जहाँ बरेली लखनऊ लाइन है,
7:04 पे शाम में छूटने के बाद प्रयागराज संगम रात में 3:10 पे पहुंचा देती है शाहजहांपुर से। टोटल डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे वो होगा 362 किलोमीटर का, और हम इस जर्नी को 8:06 में पूरा करेंगे, लेकिन ट्रेन 9:40 में ये पूरा सफ़र तय करती है। वापस में ये प्रयागराज संगम से रात के 1:10 पे चलती है S14307 और सुबह शाहजहांपुर आ जाती है 9:29 पे। 2 मिनट का हॉल्ट इसका शाहजहांपुर में होता है। 2 मिनट के बाद 9:31 पे यहाँ से जब छूटती है तो 10:50 पे ये बरेली सुबह आपको पहुँचा देती है। तो दोस्तों ये तो रही हमारी ट्रेन की जानकारी, और शाहजहांपुर की बात करें तो इसको शहीदों की भूमि भी कहा जाता है। आप इस फुटेज को यहाँ पे देखिएगा, अशरफुल्ला खां, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये चारों शहीद हुए, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ के बाकी तीनों का जन्म यहीं शाहजहांपुर की ही धरती पे हुआ है। A few minutes later. साफ है, यहाँ पे टैप में पानी आ रहा है, ये सोप यहाँ पे रखा हुआ, लाइट काफ़ी अच्छी है, एकदम ब्राइट है, ये फैन यहाँ पे चल रहा है, नीचे भी काफ़ी साफ सुथरा है, अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है। आइए आपसे मिलते हैं अपने पहले हॉल्ट आंझी शाहबाद में। तो दोस्तों एक छोटे से अनशेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन अब यहाँ से रोजा जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि सीतापुर की लाइन यहाँ से अलग हो जाती है।
minutes later. तो दोस्तों, हो चुके हैं रात के 8:30। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है शाहजहांपुर ज़िले के आंझी शाहबाद रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड है AJI। नॉर्दर्न रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीजन में रेलवे स्टेशन आता है। हमारी ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आके रुकी है। यहाँ पे सिर्फ 16 ट्रेन रुकती है, कोई भी ओरिजिनेट टर्मिनेट नहीं होती। आइए देखते हैं यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। Few minutes later. तो दोस्तों, अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हरदोई रेलवे स्टेशन पे, जहां का स्टेशन कोड है HDI। यहां पे 5 प्लेटफॉर्म है, 70 ट्रेन यहां पे रुकती है, कोई भी ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। और आपको बता दें, यहां का राम जानकी मंदिर काफ़ी फेमस है और ये भक्त प्रहलाद की भूमि है। यहां पे सबसे बड़ी होलिका जलाई जाती है विश्व की। हमारी ट्रेन यहां पे प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे आके अराइव की है। आइए देख लेते हैं यहां से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। One hour later. ट्रेन पहुंच चुकी है हरदोई जिले के संडीला रेलवे स्टेशन पे। यहाँ का स्टेशन कोड है SAN। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन आके रुकी है, लेकिन कहा जाए तो मेन एरिया छोड़ के पूरे प्लेटफॉर्म पे पर्याप्त लाइटिंग नहीं है। यहाँ पे 22 ट्रेन रुकती हैं और यहाँ के लड्डू काफ़ी फेमस हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। A few moments later. Minutes later. Okay.
दोस्तों अब हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 9 मिनट बिफोर पहुंच चुकी है लखनऊ के एक सैटेलाइट रेलवे स्टेशन जो कि है आलमनगर रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है AMG और यहाँ पे कुल 5 प्लेटफॉर्म है। आपको बता दें यहाँ पे 25 ट्रेन रुकती है, कोई भी ओरिजिनेट टर्मिनेट नहीं करती है क्योंकि सीधी सी बात है लखनऊ चारबाग है ही जहाँ से ट्रेन को ओरिजिनेट और टर्मिनेट कराते हैं। और आपको बता दें यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव शेड्स है कुछ, यहाँ आपको फोटो शेयर कर रहे हैं यहाँ पे जो डीजल लोकोमोटिव लिवरी लोकोमोटिव रहते हैं उनकी। तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर और आपसे मिलते हैं लखनऊ चारबाग पे। ध्यान रखिएगा इस बार चारबाग तक हमारी जर्नी नहीं है, प्रयागराज संगम तक हमारी जर्नी है। और आपको एक और बात बता दें कि हमारी ट्रेन की रेक शेयरिंग होती है प्रयाग से जौनपुर जाने वाली एक्सप्रेस के साथ और प्रयागराज संगम से बस्ती तक जो मानवार संगम एक्सप्रेस चलती है उसके साथ।
10:50 से आधे घंटे की देरी के साथ हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर, लेकिन हमारी जर्नी यहाँ पे समाप्त नहीं हो रही है। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। दूसरा, क्योंकि 29 तारीख को आज मैच भी हुआ भारत इंग्लैंड का, जिसमें भारत जीत गया, और दूसरा परीक्षा भी पेट की। तो हम चलते हैं सोने, आपसे मिलते हैं बछरावा में। Later that same evening. तो दोस्तों, अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बछरावा रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है BCN। यहाँ पे 27 ट्रेन रुकती हैं और ये लखनऊ डिवीज़न में आता है, नॉर्दर्न रेलवे जोन के। लखनऊ रायबरेली का ये सैटेलाइट टाउन है। आपको बहुत बार इस स्टेशन को दिखाए हुए हैं जब भी हम प्रयागराज संगम गए हैं। आइए अब आपसे मुलाकात करेंगे हम रायबरेली जंक्शन पे। That night. तो दोस्तों, अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जहां का स्टेशन कोड है RBL। यहां पे कुछ 70 के करीब ट्रेन्स रुकती हैं और 6 यहां से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। यहां पे कुल 6 प्लेटफॉर्म है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी यहीं पे है, जहां पे LHB कोचेस बनाए जाते हैं। और आपको बता दें, जंक्शन इसलिए क्योंकि प्रतापगढ़ ऊंचाहार की लाइन यहां से अलग हो जाती है। तो फिलहाल हम अपनी यहां पे जर्नी को एंड करते हैं। आपसे अब सीधे मुलाकात करेंगे हम प्रयागराज संगम में। फिलहाल के लिए गुड नाइट। Hours later. ये सब डेली चलने वाले करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी शाहजहांपुर से प्रयागराज संगम तक की 14,308 बरेली प्रयागराज संगम की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको जर्नी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई कमी रहेगी तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।